पहली गेंद मोनीश की गेंद, मोनीश ने प्रहार किया, हाथों से कैच छटका और छूटा, दो रन दौड़कर पूरे किए हैं और लगभग यहां पर तीसरा रन लेना चाहते हैं। तीन रन के साथ यहां पर मोनीश ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला है। कोशिश अच्छी थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर छोटे से कद के खिलाड़ी थे ब्रिजेश, कोशिश अच्छी की उन्होंने गेंद को फील्ड करने की, लेकिन हाथों में गेंद नहीं समाई, नहीं तो दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे। गेंदबाज किरण सज्ज होते हुए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर जीत के लिए 32 रनों का पीछा करती हुई ये टीम नरेश स्पोर्ट्स कासरवड़ोली की टीम। इस बीच ये गेंद इस बार कुलन गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में विशाल वहां पर मौजूद गेंद को फील करके जब तक के विशाल थ्रो करते एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और इस एक रन के साथ यहां पर दिवेश ने अपना खाता जरूर खोला। दिवेश फिर से एक बार नॉनस्ट्राइक हैंड पर, मोनीश विस्फोटक बल्लेबाज, लंबे हिट लगाने वाले बल्लेबाज मौजूद, किरण का सामना करने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार प्रहार करने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और अतिरिक्त रनों में एक रन शुमार होता हुआ। चलिए समय वेस्ट करना, टाइम के लिए थोड़ा सहयोग करना है। केवनी स्पोर्ट्स देखिए अंतिम और आखिरी बार आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली वार्निंग है, नहीं तो फिर आपको टॉस लॉस किया जाएगा। वाकबिल के कैप्टन यहाँ पर आकर कब से बैठे हैं, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अरे प्यारे, तो समय के मामले में अगर आपने हमें सहयोग नहीं किया तो आपको हम यहाँ पर पेनल्टी दे सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखें। इस बार करार प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, मोनीश ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, व्हाट अ हिट। इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर, क्या 11 रन हो चुके हैं। यस, बॉल देना है अंपायर से, मैं रिक्वेस्ट हमारे कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि बॉल दे प्लीज ताबड़तोड़। बिल्कुल हमारे बीच मानिसी चंद्रकांत मुकादम सर आ चुके हैं, वेलकम सर, स्वागत है सर आपका, हार्दिक स्वागत है। बर्थडे ट्रॉफी 2018 सुशांत मुकादम आयोजित एक बेहतरीन आयोजन और नियोजन क्रिकेट की एक महा स्पर्धा जरूर यहाँ पर। यस सर, पहला ओवर जारी है, नया बॉल ही दिया जाएगा, स्टार्ट द मैच। 24 बॉल नहीं है, कमेटी चॉइस दिया जाएगा यहाँ पर, बॉल कीजिए ध्यान में रखें, अगर रिंग बॉल पर आती है तो चॉइस बॉल मिलेगा। चलिए स्टार्ट करना है मैच, ताबड़तोड़ अगर जो मैच का बॉल आ चुका हो तो प्लीज मैच का बॉल ग्राउंड के अंदर दे दें। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार एक और बड़ा हिट, गेंद डीप बैकवर्ड्स का लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए, व्हाट अ हिट। मोनीश की अगर बात करें तो मोनीश काफी अच्छे फॉर्म में है, बड़े हिट लगाने में माहिर है और स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद, एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई, एक रन जरूर मिलेगा लेकिन नहीं लेना चाह रहे थे कोई रिक्स,
गेंद डॉट के रूप में रही। इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई और एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन जीत के लिए 32 रनों का पीछा करती हुई टीम, यानी अब बची हुई 18 गेंदें शेष और 16 रनों की 17 रनों की जरूरत, 18 गेंदें और 17 रन। फील्डिंग की टीम टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, ताबड़तोप बिल्डिंग अपने सजा ले क्योंकि समय कम है, मैचेस काफी ज्यादा है। यूनी स्पोर्ट्स आपको अंतिम और आखिरी बार टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, नहीं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अगर कोई भी खिलाड़ी हो उनको आप भेज दें टॉस के लिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट पेनल्टी आपको लगेगी। इसके लिए आपको हम फिर से एक बार सूचित कर रहे हैं। तेजस गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए दीपेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए, पावर प्ले का बंधन छूट चुका है, सभी खिलाड़ियों को डीप में तैनात किया गया है। देख सकते हैं लेग साइड की व्यूहरचना, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी मिड विकेट, एक मिड ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड ऑन, इस तरीके से लेग साइड की व्यूहरचना। ऑफ साइड में डीप पॉइंट शॉर्ट मिड ऑफ, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। किसी बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया रही और दो रन चुराने में कामयाबी बल्लेबाजों को जरूर जरूर मिलती हुई। इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 17 रनों पर, 17 रन हो चुके हैं, जीत के लिए 32 रनों का पीछा करती हुई टीम, 15 रनों की और जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। इस बार ललचाती हुई गेंद थी, आना के इशारे, अंतिम और आखिरी वक्त पर एक रन यहां पर 22 के रूप में मिलता हुआ, कीपर की थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी सूझबूझ यहां पर काम आती हुई बल्लेबाजों की और एक रन चुराने में कामयाब। जहां गेंद डॉट थी वहां पर कीपर ने थोड़ी सी गलती की और उसका कारण यहां पर मिलता हुआ एक रन। अगली गेंद लेकर तैयार मोनिश सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, इस वक्त मोनिश पहले से मन बना चुके थे, बड़ा हिट लगाने की चाहत उन्होंने जताई थी लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त 18 रनों पर रुका हुआ है। तेजस अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। डिक्लेयर जोन में अगर गेंद जाती है तो बल्लेबाज अपनी स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, आप जिसे भी चाहे उसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकता है, वो बल्लेबाज विकेटों के बीच में स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक हैंड वाला। क्यूनी स्पोर्ट्स कैप्टन, देखिए आपको हमने बहुत बार आमंत्रित किया है टॉस के लिए, अगर आपने अपनी टीम के अंदर चुनाव कर लिया है कि किसे आपने कप्तान बनाया है तो उसे भेज दें प्लीज। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता एक रन जरूर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है लगभग 20 रनों पर, स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन। चलिए ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई है, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन। बारह गेंदे 12 रन,
फील्डिंग यूनिट टीम पुष्पात्र महेंद्र पाड़ा, समय के मामले में सहयोग करना प्लीज। भव्य 11 कैप्टन और यूनी स्पोर्ट्स कैप्टन आना है टॉस के लिए। चलिए टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री चंद्रकांत कदम सर, आपके शुभ बातों से टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाए। हाँ बिल्कुल, बड़े बॉय सुशांत मुकादम साहब के पिताश्री, इनके शुभ हाथों से टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज बड़े बॉय हमारे सुशांत मुकादम जी का जन्मदिन है, उनके इस जन्मदिन के अवसर पर यह टूर्नामेंट को रखा गया है और उनके पिताजी के शुभ हाथों से टॉस की प्रक्रिया पूरी की जा रही इस बार। फुल टॉस गेंद टीम को करने का प्रयास। मैजिक प्लेयर होने वाले बग तुम्हें सारी बाहुजी आप आता जाते क्यों नहीं आया? नहीं बाइटी के तुला क्या हवाई का अलग है वो स्टॉप। भव्य 11 ने टॉस जीता है, अपना निर्णय आपको हम तक के पहुंचाना है। चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त स्कोर बुक पर नजर डालें तो 23 रन। नरेश स्पोर्ट्स आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाती हुई मैच की तरफ रुख करती हुई और जीत के लिए इस वक्त रनों की अगर बात करें तो लगभग दस गेंदों में 9 रन की जरूरत। 10 गेंदे 9 रन। मोनीश सलामी बल्लेबाज के रूप में हमने देखा, दीपेश और मोनीश ने अच्छे तरीके से पारी को संभाला। अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही खिलाड़ियों के बीच जरूर देखने मिली। इस बार फुल टॉस गेंद आने वाले से खेलने का प्रयास। गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 2 रनों के लिए दौड़ लगी है। 2 रन यहां पर जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता है। रनिंग मीटर से विकेट 2 रनों की देखने जरूर मिली और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त लगभग 25 रनों पर। 7 रनों की और दरकार। मोनीश जैसे बल्लेबाज अगर विकेटों पर खड़े रहेंगे टिके रहेंगे तो बड़े से बड़ा विशाल का टारगेट भी कम नजर आता है। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य इस वक्त देखने मिला। 32 रनों का पीछा करते हुए पहली ओवर में लूट लिए लगभग 15 रन। दूसरी ओवर में तेजस ने बढ़िया गेंदबाजी की, 5 रन का ओवर। लेकिन हर्षद की अगर बात करें तो हर्षद ने 3 गेंदों में 5 रन दर्ज किए हैं और अभी भी 3 गेंदे इनकी आना शेष। जीत के लिए 7 रनों की और दरकार। गेंदे लगभग बची हैं हाथ में, 9 रन 9 गेंदे अभी भी शेष हैं नरेश स्पोर्ट्स के पास। सामना करने के लिए तैयार सेट बैट्समैन मोनीश। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। गेंद डॉट के रूप में फर्स्ट वार्निंग जरूर यहां मिलेगी क्योंकि बाउंसर डिलीवरी की है। अगर ये वापस से इसी तरीके की गेंद करते हैं तो गेंद को घोषित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार काफी चेंजेस हुए हैं, काफी बदलाव देखने मिले हैं इस नए सीजन में। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार हर्षद। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ, बड़ा हिट लगाने की कोशिश जारी थी लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। गेंद डॉट के रूप में, इस वक्त में गेंदे डॉट करना ये भारी पड़ सकता है। 7 गेंदे 7 रन। मैच में वापसी कराने की कोशिश हर्षद की जारी है। 2 गेंदे डॉट करने के बाद इन्होंने एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर एक आधा गेंद और डॉट होती है तो दबाव बन सकता है, प्रेशर बन सकता है और एक बड़ा हिट मैच की दिशा खत्म हो सकती है। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था लेकिन लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। वाइड के साथ साथ अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ। अब 7 गेंदे और जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है। मोनीश की अगर बात करें तो बड़े स्ट्रोक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मोनीश अगर मैच की समाप्ति करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बड़े हिट के साथ में करेंगे क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है, ये कैलिबर प्लेयर है, बड़े हिट लगाने में माहिर प्लेयर है। इस बीच इस बार एक और तेज तर्रार गेंद करने का प्रयास लेकिन लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। वाइड बॉल, इस वक्त में वाइड गेंद करना यानी अपने घर के लिए ओला बुलाने जैसा होगा क्योंकि इस वक्त में अगर आपके पास 6 रन है, आपके अकाउंट में पैसे कम है और खर्चा ज्यादा, ये भारी पड़ सकता है क्योंकि इस वक्त रनों को रोकना है, रनों को बहाना नहीं है। उस तरीके का दृश्य इस वक्त पुष्पात्र महेंद्र पाड़ा की टीम की ओर से देखने मिल रहा है।
स्पार्कफुल पावरफुल वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल मैच की समाप्ति। मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक के साथ मैच की समाप्ति जरूर करेगा। भव्य इलेवन, चलिए आपने जो निर्णय लिया है टॉस जीतने के बाद, भव्य इलेवन कैप्टन फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, पर तो फील्डिंग सजा ले। अरे आइले मान्यता।